गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर की इस सीरीज़ में आज हम एमपीपीएससी 2019 के सीरीज़ में एमपीपीएससी 2012 से 18 के एक्ट का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, सिलेबस आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि एमपीपीएससी में तीन एक्ट से सवाल आते हैं। पहला है SC ST एक्ट 1989 और दूसरा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम या सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, सिविल। और अगला है ह्यूमन राइट्स एक्ट या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का है ये। ठीक है, तो ये तीन एक्ट आते हैं और इन तीनों एक्ट से वेटेज भी काफ़ी है, जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों एक्ट जो है कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक तरीके से यदि मैं कहूँ तो ये बिल्कुल सामने, आँखों के सामने पका हुआ फल है, बस जिसको याद करना है और एग्ज़ाम में जाके उसको भुनाना है, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब आपके पाँच से दस सवाल जो है पके हुए रहते हैं। जैसे 2018 की बात करूं मैं तो 15 से 20 सवाल आए थे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। 2018 का पेपर हम डिस्कस करते हैं और वही पहला निवेदन है मेरा आप सभी से, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आए और आप मेरे वीडियोज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ। क्योंकि ये वीडियोज़ कम्प्लीट होने के बाद हम MPPSC की प्रिपरेशन की तैयारी चालू करेंगे, MPPSC की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसका हम फुल एलेबरेटिव डिस्कशन करेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर वाइज सिलेबस कम्प्लीट करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? ठीक है, आर्थिक बहिष्कार को धारा 2 के ख ग में परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 2 का ख पॉइंट, क ख और फिर ख के अंतर्गत, मतलब ये चलते ही जा रहा है क ख ग ग, और ये आगे जब चलता हुआ जाएगा तो ख के अंतर्गत जो सब पॉइंट्स बने हुए हैं उसमें ख ग आएगा। ठीक है, तो ये उसके अंतर्गत दिया गया। जैसे कि 1989 वाला जो SC ST एक्ट है, ठीक है, 1989 में जो है इसको बनाया गया था और 11 सितंबर से ये प्रवृत्त है। ठीक है, 1989 से 11 सितंबर 1989 से, मतलब ये मंजूरी मिल गई थी इसको 11 सितंबर को, और जो ये प्रवृत्त है वो 30 जनवरी से है 1993 से। ठीक है, ओ सॉरी 1990 से, 30 जनवरी 1990। ठीक है, और इसमें कुल 5 भाग हैं और 23 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो है बेसिक। ठीक है, और खैर इसके लिए मैं एक अलग स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, तीन एक्ट के लिए तीन वीडियो, जिसमें मैं ऐसी स्ट्रेटेजी जिस प्रकार से मैंने खुद ने इन चीज़ों को याद करके रखा है, तो ऑन टिप्स, जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था जो कि नियम पर आधारित था इस पेपर में 2018 के। तो मैं जिस टेक्निक से मैंने याद किया मैं उसी को आपको भी देने की कोशिश करूँगा, तो इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? ठीक है, तो अग्रिम जमानत जो है वो धारा 18 के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित है, और अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो उस धारा को खारिज कर दिया था, तो धारा को खारिज करने के बाद हमारे देश में जो है बंद का आयोजन किया गया
इस पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश के मार्फत, अध्यादेश के माध्यम से इसको पुनः जो है लागू करने का अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाया गया है, ठीक है। अब इसे संसद में पारित करना होगा। खैर, 18 जो है धारा, ये जो है भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो 438 सेक्शन है, ठीक है, ये उसके तहत जो अग्रिम जमानत होती है, ठीक है, अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है इसको खारिज कर दिया था, ठीक है। अग्रिम जमानत का प्रावधान है इस धारा में, जो जो भी प्रावधान है वो खारिज कर दिए थे, और ये गैर जमानती बनाता है इसको, ठीक है। ये धारा जब इस पे लागू नहीं होगी, मतलब इस धारा में ऐसा लिखा हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के तहत किसी ने क्राइम किया है तो वो इस पर लागू नहीं होगी, तो मतलब उसको गैर जमानती हो जाएगा वो, मतलब उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो इन द सेंस कि यदि पुलिस थाने में कोई जाके SC ST का बंदा कोई रिपोर्ट लिखाता है तो वो किसी के भी खिलाफ जो सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वो एक गैर जमानती हो जाएगा, ठीक है, और अग्रिम जमानत भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही इसी बात को लेके इसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो जो जैसा कि मैंने बताया कि अध्यादेश ला के इसको पुनः प्रवृत्त कराने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा, ठीक है। तो हमने समझ लिया ये धारा 18 से है, और इसी की धारा 19 में जो है संहिता की 360 धारा जो है, धारा 360 संहिता मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि धारा 2 है जिसमें परिभाषाएं दी गई है, ठीक है, उन परिभाषाओं में संहिता की जो परिभाषा है उसमें दंड प्रक्रिया संहिता दिया है, ठीक है। तो मतलब यदि एक्ट में कहीं भी संहिता होगा तो वो दंड प्रक्रिया संहिता समझा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नियम से संबंधित है, और यहाँ पर ट्रैप था, ठीक है, और ये नियम जो है वो मेरी बुक में था ही नहीं। तो खैर, इसका जो आंसर है वो मुझे भी नहीं पता, और MPPSC ने इसको फाइनली कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो जैसा मैंने पहले बताया कि 89 के एक्ट में 23 धाराएं हैं और 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो सामूहिक जुर्माना राज्य सरकार यदि अधिरोपित करती है तो वो धारा 10 क में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अगली बार से मैं इसको SC ST Act कह दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि मैं इसी 89 वाले एक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने, डायन होने, अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुँचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि की कारावास से दंडित होगा, ठीक है। तो यह SC ST Act की धारा 2 में, ठीक है, SC ST Act 1989 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ठीक है, उसके आखिरी पॉइंट में ये लिखा है कि वो यदि ऐसा कोई कृत्य करता है तो वो 6 माह से कम की अवधि के लिए और जो 5 वर्ष तक हो सकेगी सजा का हकदार होगा और जुर्माने से भी होगा दंडित हो सकेगा, ठीक है। इस धारा 3 में 2 सबसेक्शन है, एक पहला एक दूसरा, ठीक है, इसमें 2 हैं तो ये पहले वाले से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है?
ठीक है, तो सद्भावपूर्वक यदि कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है सरकार को। ठीक है, यदि सरकार कुछ सद्भावपूर्वक कार्रवाई करती है तो उस सरकार को संरक्षण है, और ये संरक्षण धारा 14 क में दिया गया है। ठीक है, और ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है 1955 वाला, ठीक है, ये जो है 1 जून 1955 से लागू हुआ है। ठीक है, 1 जून 1955 से लागू हुआ है, और ये जो है ना संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है। और जो SC ST एक्ट था, ये SC ST एक्ट जो है ये संपूर्ण भारत पर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर है, और ये वाला जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, और इसमें 17 धाराएं हैं, इसको भाग में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? ठीक है, तो ये जो सिविल राइट्स एक्ट है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है 1955 का, उसमें कंपनियों द्वारा यदि अपराध किया जाता है, ठीक है, तो वो धारा 14 में दिया गया है, और वो उसमें सभी जिम्मेदार होंगे। ठीक है, उसमें सभी जिम्मेदार होंगे, कंपनी का निदेशक, करने वाला और उसका सीनियर अधिकारी, सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, ये संपूर्ण भारत पर है। मानव संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993, ये नहीं, 28 सितंबर 1993 से ये प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180, 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होती है या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5। पहला, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, वर्तमान में HL दत्तू जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, और इसके जो दूसरे सदस्य हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, तीसरे जो मेंबर होते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं जो कि मानवाधिकार के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती होती है। ठीक है, तो ये 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, मानवाधिकार आयोग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष हाँ है, महिला आयोग के अध्यक्ष हाँ है। ठीक है, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, ठीक है, सशस्त्र बलों द्वारा यदि कोई किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन किया जाता है, ठीक है, तो वो आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो अधिकारी है वो लोक सेवक समझा जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कोई वो है जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय का कोई न्यायाधीश, ठीक है, या जिला न्यायाधीश जिसकी नियुक्ति की जानी है, तो वो किसके परामर्श के बाद की जाएगी? ठीक है, तो ये ऑब्वियसली संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और ये जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है इसको राज्य सरकार को प्रतिवेदन देता है और राज्यपाल के माध्यम से इसको विधानसभा में पटल पर रखा जाता है विधानसभा के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? ठीक है, तो ये जो शक्ति है वो राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेपर आ जाएगा, अब 2017 के एक्टों के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? ठीक है, तो ये जो विशेष न्यायालय का प्रावधान है धारा 14 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? ठीक है, तो जो जांच अधिकारी हो वो मैक्सिमली 30 दिनों के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट को सौंपना होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। अभी हमने देखा था 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2016 का पेपर डिस्कस करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध है? तो फिर से ये नियम से सवाल पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है MPPSC के आंसर शीट के अकॉर्डिंग वो है धारा 17। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? ठीक है, तो ये जो है धारा 6 के अंतर्गत कहा गया है। सॉरी, एस सी एस टी एक्ट अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किन्हें प्राप्त है? ठीक है, तो नियम बनाने की शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। धारा 18 है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ये तो मतलब थोड़ा टफ हो जाता है इस प्रकार के सवाल यदि डिटेल्ड पूछते हैं, क्योंकि जो आप तीनों एक्ट की ले लो, तीनों एक्ट की जो धारा 2 है, ठीक है, उसमें परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, कि यदि एक्ट में किसी शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द का क्या मतलब निकाला जाएगा। जैसे मैंने बोला कि जैसे इसमें पूछा है कि लोक सेवक यदि प्रयोग किया गया तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, यदि संहिता लिखा गया है तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा। तो ये धारा 2M में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। ठीक है, भूमि से निकालना है, बंधुआ मजदूरी है, धार्मिक कारण भी है, ऋणग्रस्तता नहीं था। ठीक है, खैर ये जब क्वेश्चन आया था तो ये मेरे हिसाब से टैक्टिक बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर तर्क आधारित क्वेश्चन है ये।
इस पे तर्क के आधार पर इसको आराम से किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, SC ST Act, ठीक है, कि किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू है, तो ये 89 के अधिनियम के द्वारा लागू है। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। SC ST Act किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो ये जो अधिकार है वो उन्हें अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। अब 2014 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो अपराध का जो विचारण है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें उपरोक्त सभी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी ये धारा डिस्कस करते टाइम बताया था आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में से कौन सदस्य नहीं होता है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो इसमें जो होते हैं, सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में अपोजिशन के नेता होते हैं, राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के अपोजिशन के नेता होते हैं। ठीक है, ये 6 लोग होते हैं टोटल। तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति तो राष्ट्रपति होता है, और ये ही नहीं होते हैं उस समिति में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरूपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये जो सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करना और इसे वसूल करने की शक्ति वो राज्य सरकार के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है ऑब्वियसली राज्यपाल द्वारा की जाती है, और यदि इसी की जगह राष्ट्रीय आ जाता तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति जो है मुद्रा सहित अभिलेख, ठीक है, अभिलिखित द्वारा की जाती है। इसको मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊँगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटी के, तब मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस ज़्यादा हैं आज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो जैसे मैंने बताया था, SC ST Act में धारा 3 जो है, जिसमें अपराधों के बारे में डिस्कस किया गया, उसकी उपधारा 1, उपधारा 2, ये उपधारा 2 के आखिरी में लोक सेवक के बारे में दिया गया, जिसमें कम से कम 1 वर्ष की सज़ा है, सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 2013 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो SC ST Act के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो न्यायालय जो है दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, न्यायालय उपधारित तीनों कर सकता है। तो SC ST Act 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विधिष्ठ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध जो है, ये जो क्वेश्चन है ठीक है, वो संज्ञेय भी हैं, ठीक है, जमानतीय नहीं है, शमनीय नहीं है, कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय है। तो इसके दो ऑप्शन है, इसलिए एमपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिया था और इसका जो है दो ऑप्शन सही हैं इसके। तो आगे चलते हैं। खैर, संज्ञेय का मतलब पता है आप, चिंता मत करो मैं बताता हूँ। संज्ञेय का इंग्लिश में मतलब होता है कॉग्निजेबल। ठीक है, संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, ये वो ऑफेंस होते हैं ठीक है, जिसमें आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, दो तरीके से गिरफ्तारी होती है, एक वारंट के, एक बिना वारंट के। तो ये संज्ञेय है, मतलब इसमें पुलिस आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी तो आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संज्ञेय। ठीक है, आई बात समझ में। और जमानतीय तो आपको पता है, जमानत होना नहीं होना। शमनीय मतलब क्षमा योग्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस सी एस टी एक्ट जो है के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? ठीक है, तो एस सी एस टी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है, या अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं। ये कौन सा था? ये धारा 18, बार बार रिपीट हो रही है अलग अलग रूपों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस साल भी इतना बड़ा मुद्दा बना है तो उम्मीद है कि आए, और आए तो अच्छा है, आप लोगों को पता चल गया है, फटाफट टिक कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस सी एस टी एक्ट के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि उप अधीक्षक की रैंक से कम का ना हो। उप अधीक्षक मतलब डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, यही पोस्ट होती है जो आपको मिलेगी यदि आप एमपीपीएससी में अच्छी रैंक पर चयनित होते हैं तब। ठीक है, एस सी एस टी एक्ट ठीक है के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि अभिभावक नहीं ले सकता है कि ठीक है, तो वो मतलब कारण नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही कारण है उसके आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी आना चाहिए था, कोई नहीं लिख दिया इन्होंने, तो एमपीपीएससी है, भूल जाता है कभी कभी। तो खैर, जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एससी एसटी एक्ट 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? ठीक है, तो जो विशेष न्यायालय है निम्न में से उसकी शक्ति कौन सी नहीं? तो सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, ठीक है, तो अस्पृश्यता का जो अपकृत्य है, जो अपराध है, वो अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ माना जाएगा। ठीक है, के संबंध में किया गया है तो वो अपराध माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2012 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। ठीक है, सभी जो दंडनीय अपराध है वो क्या है? वो संज्ञेय हैं, हाँ है, तथा जमानतीय है सिविल अधिकार संरक्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो वो अशमनीय, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध नहीं होगा जबकि अभियुक्त का कार्य जनसाधारण अनुभाग के व्यक्तियों को फायदे के लिए श्रेष्ठ एक पूर्त न्यास के अधीन फायदे के उपयोग करने के संबंध में है। ठीक है,
अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में, अभियुक्त का अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। देखो, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित सामाजिक समूह से हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अटक गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है तो ये संपूर्ण भारत पर है, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। SC ST एक्ट प्रवृत्त हुआ है तो SC ST जो एक्ट है वो 30 जनवरी 1990 से प्रवृत्त हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान करता है जो निम्न में से एक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो SC ST जो पूरा एक्ट ही है वो संरक्षा का विभेद का सिद्धांत है, ठीक है, सभी को समान संरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट न्यायालय को नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है, पुलिस को भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ठीक है, तो पुलिस को ही बोल सकती है, पुलिस के अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, जो जांच एजेंसी उसके अलावा किसी पर्सनल व्यक्ति को बुला के नहीं ना करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है, ठीक है, वो शीघ्र विचारण के लिए है, समयबद्ध विचारण के लिए है, पीड़ितों की विशेष सुरक्षा के लिए है, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी, सभी काम करने के लिए है। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ख़त्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। इफ़ यू लाइक देन लाइक, प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके कोई सुझाव हैं कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है, इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं या फिर मैं आने वाले वीडियोस में कुछ कवर करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। खैर, चलिए, थैंक यू वेरी मच।